हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आर डी यू के डी चैम्पियन ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजीव और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक भाई के बारे में, एक बहुत अच्छे यूट्यूबर और क्रिएटर। चलो बात करते हैं उनके बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं मनोज दे भाई के बारे में, जिनका एक बहुत बड़ा चैनल है यूट्यूब के ऊपर। 3.5 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। बहुत खुशी की बात है, अच्छा लगता है कि कोई सक्सेस हो रहा है। अच्छी बात भी है, सक्सेस होना चाहिए। उनका सफ़र भी YouTube पर 0 सब्सक्राइबर से हुआ था, लेकिन आज वो 3.5 मिलियन के करीब में पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ उनको वीडियो बनाने का मौका मिला है। बहुत अच्छे मोटिवेशन उनके होते हैं, मैंने भी उनके कुछ मोटिवेशंस देखे हैं, अच्छी लगती है। उनकी वीडियो मैं देखता हूँ अक्सर, जब भी वो अपनी नई वीडियो डालते हैं मैं उनकी वीडियो को देखता हूँ और अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो यूट्यूब से संबंधित किसी भी चीज़ के ऊपर हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मैं YouTube के ऊपर देखो मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उनके ही वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। और सीखते सीखते YouTube पर मेरे 0 सब्सक्राइबर से 99 सब्सक्राइबर्स मेरे भी हैवी हो चुके हैं, जो कि एक मेरे लिए भी खुशी की बात है और अच्छा भी लगता है कि हाँ धीरे धीरे मेरे चैनल को भी धीरे धीरे अब ग्रोविंग मिल रही है और चैनल ग्रो हो रहा है। मेरी तरह और भी लोग हैं और लोगों के भी चैनल हैं, वो भी इस तरह से 0 से शुरू करते हैं, लेकिन हमारे से आगे भी निकले हुए हैं जो आजकल यूट्यूब पर जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनको लोग सर्च करके उनकी वीडियोस को देखते हैं और उनसे मोटिवेट होकर अपनी वीडियोस को बनाते हैं, चाहे ब्लॉग चैनल हो या फिर किसी प्रकार की वीडियो बनाते, चाहे मोटिवेशनल या कॉमेडी या फिर साइंस से संबंधित या फिर किसी भी चीज़ से संबंधित बनाते हैं। और मैंने भी देखी 19 से सीख कर YouTube से ही मैंने देखिए अपना सफ़र शुरू किया था। उसमें ही कुछ ऐप्स के बारे में मैंने देखा था कि ये ऐसे ऐप्स होते हैं, ऐसे वीडियो को एडिटिंग करना होता है, ऐसे करते हैं, ऐसे अपलोड करते हैं, कैसे क्या करना होता है, सब चीज़ YouTube पर ही देखा। खासकर मैं YouTube पर मनोज दे भाई के चैनल को ही फॉलो करता हूँ और उनकी वीडियोज़ को मैं देखता हूँ। उनके चैनल की हर एक रिपोर्ट मेरे पास नोटिफिकेशन के रूप में आ जाती है जब वो नई वीडियो डालते हैं, और अच्छा भी लगता है उनकी बात करने का तरीका, समझाने का तरीका। मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मेरे चैनल को भी देखिए 2017 में मैंने शुरू किया था, लेकिन मैं इस पर काम नहीं कर सका, मुझे पता नहीं था YouTube के बारे में क्या होता है। लेकिन 2022 में मैंने इसको फिर से शुरू किया है और धीरे धीरे ग्रोविंग होते होते 99 सब्सक्राइबर इस पर हुए अभी मेरे 1-1.5 महीने में, और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरी सब्सक्राइबर सभी बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियो मैंने भी डाली है, आप लोग देख सकते हैं। और मनोज दे भाई के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लगभग हर यूट्यूबर तो नहीं, 100 में से लगभग 98% या 99% जानते हैं, 1% नहीं जानते होंगे मनोज दे भाई के बारे में। मनोज दे भाई के बारे में बताना चाहता हूँ, देखिए वो भी झारखंड के एक छोटे से गांव धनबाद से आते हैं, ज़्यादा बड़ा फैमिली बैकग्राउंड उनका भी नहीं है, छोटे से परिवार से आते हैं। उनके पास भी कोई बड़ा गाड़ी बंगला या शौहरत दौलत नहीं थी, एक छोटे से परिवार से थे, कपड़े वाला घर है। उन्होंने दिखाया था एक वीडियो, मैंने देखी थी उनकी वीडियो, घर का उनका बहुत टूटा फूटा सा घर था, लेकिन YouTube पर उन्होंने अपनी अच्छी वीडियो बनाई। अपने घर का भी उन्होंने दिखाया कि मेरा घर ऐसा था, और बहुत लोगों ने उनको देखा, उनकी वीडियो को पसंद किया, धीरे धीरे उनके चैनल को लोग फॉलो करने लगे। उनकी जो हिस्ट्री है, बहुत बैकग्राउंड है उनका, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। पढ़ाई भी करते थे, जॉब भी करते थे, लेकिन यूट्यूब के ऊपर भी काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करते 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 आज वो यूट्यूब पर एक फेमस एक्टर के रूप में ही जा सकते हैं, एक एक्टर ही कहा जा सकता है। और लोगों को ऐसे लोगों के साथ उन्होंने वीडियो बनाई है, और अच्छा भी लगता है कि वो अपनी वीडियोस बनाते हैं और लोगों के साथ अपने वीडियोस को शेयर करते हैं, जिन लोगों को जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है यूट्यूब पर उनको सीखने को मिलता है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने उनसे सीखा हुआ है ना, मुझे पता नहीं था। आप लोगों में से मेरी तरह भी बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पर उनके वीडियोज़ को देख कर सक्सेस हुए हैं और सक्सेस हो रहे हैं। तो मैं बस ये चाहता हूँ आप लोग इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ भी बनाए रखिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल है आर डी के डी चैम्पियन ब्लॉग चैनल। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग मेरा पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक नए मोटिवेशनल वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय हिंद।